न्यूज़ इंडिया में स्वागत है आपका। मैं स्वाति और आइए नजर डालते हैं आज के प्रमुख समाचारों पर। चर्च पादरी अमृत सिंह सुनाम से जा खला रहे थे कि जब ट्रेन से उतरे तो अर्जुन सिंह ने चर्च पादरी से हाथापाई की और पवित्र ग्रंथ बाइबल बैग को जमीन पर पटका और चर्च पादरी अमृत सिंह को पीटा। चर्च पादरी अमृत सिंह ने जाखल थाना में FIR दर्ज कराई तो पुलिस कार्रवाई के बाद अर्जुन सिंह ने पुलिस थाना जाखल में अपनी गलती को पूरे क्रिश्चियन समाज के सामने माना और क्रिश्चियन मूवमेंट हरियाणा के प्रधान पास्टर इंद्रजीत खोखर और पास्टर राजकुमार जिला प्रभारी फतेहाबाद, पास्टर पंजाब सिंह जिला महासचिव फतेहाबाद क्रिश्चियन मूवमेंट के लोकसभा प्रभारी सिरसा पास्टर छिद्रंग पाल की मौजूदगी में माफी मांगी और क्रिश्चियन मूवमेंट के सभी अधिकारियों ने व पादरी अमृत सिंह ने माफ किया। हरियाणा से हमारे संवाददाता राजकुमार की रिपोर्ट। और ये पंजाब से हरियाणा को आ रहे थे जाखल में और रास्ते में अर्जुन नाम के एक व्यक्ति ने इनको पकड़ा और पीटा, तो उस स्थिति को लेकर के एक केस दर्ज किया गया और आज उसका समझौता है। इधर सारे क्रिश्चियन समाज के जो आदरणीय पास्टर लोग यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं और हरियाणा मूवमेंट इनके जो मेन जो लीडर हैं वो भी हमारे बीच में है, सरदार इंद्र सिंह जी खोखर। तो हम इनसे बात करेंगे, ये सारे मसले के बारे में बताएंगे। मैं ये जानकारी देना चाहता हूँ कि पिछले बीते दिनों में हमारे पास्टर अमरीक सिंह जी है जो जाखल में रहकर प्रभु का काम करते हैं, उनके साथ भाई थे वहाँ से लोकल, अर्जुन सिंह उन्होंने मारपीट की, उसके विषय में थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई गई थी। तो आज पंचायत में बैठकर और उस भाई अर्जुन ने भी अपनी गलती को माना और इसी उनकी गलती मानने की वजह से और आज इस पर पास्टर जी से माफ़ी मांगी तो पास्टर जी ने उनको माफ़ किया। तो ये भाई अर्जुन सिंह है जो अपने जो माफ़ी के उन्होंने शब्द बोले हैं वो आपके सामने द्वारा चलो। पिछला दिनों में था पास्टर जी से गलती हो गई थी, आइंदा ये गलती दोबारा नहीं होगी। ठीक है, मैं गलती मानता हूँ ये सभी समाज वालों को। तुम भी पास ही कह दो, मैं अच्छा मानता हूँ। पिछले दिनों दे विच जो इस तरह ने गलती की थी, अज मैं इस पूरी पंचायत दे विच मैं अर्जुन कुमार नूं माफ़ करदा है और उम्मीद करदा है कि अगे तो ऐसी गलती ये रिपीट नहीं करेगा। सो आप सब का धन्यवाद करते हैं इस समझौते में साडा साथ देने के लिए, थैंक यू। दोनों जफी पा गए, जफी ठीक है सारे ना। हमारे आदरणीय पास्टर अमरीक सिंह जी जो पंजाब से आ रहे थे जाखल में और जब ट्रेन से उतरे तो वहाँ पर अर्जुन नाम का व्यक्ति जो से मारपीट हुई किसी वजह से, तो उसका केस जो सिटी थाना जो जाखल में था और आज उसका जो क्लियर हुआ है और अर्जुन सिंह ने जो अपने आदरणीय पास्टर अमरीक सिंह जी है उनसे माफ़ी मांगी है। सो आज हमारे बीच में है, सो अपने मुँह से कुछ शब्दों को बोलेंगे। पूरे समाज का ये पास्टर जी से अमरीक सिंह से गलती मांग रहे हैं, आइंदा ये गलती दोबारा नहीं होगी अमरीक सिंह से। गुड न्यूज। और हम अमरीक सिंह से बात करेंगे, ये क्या चाहते हैं? पिछले दिनों दे विच 19 तारीक शाम को जो गलबात हुई और इन्होंने अर्जुन कुमार ने मेरे नाल झगड़ा किया और अज परी पंचायत दे विच इन्होंने माफ़ी दायर की है, माफ़ी मंगी है और एक परमेश्वर अरदास होने नाते मैं भी अर्जुन कुमार को माफ़ करदा हाँ और मैं अपील करना कि साडा मसीही समाज इस भरा प्रति माफ़ी कबूल करे और इसमें क्षमा करे। गुड। क्रिश्चियन मूवमेंट हरियाणा के अध्यक्ष लोग बैठे हैं हमारे बीच में, इंद्रजीत पॉल हैं जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, सो हम इनसे बात करेंगे कि इस मसले में ये क्या कहते हैं। ऐसा जैसे 19 तारीख को पीछे ये मसला हुआ था तो जब हमारे पास इसकी सूचना आई तो हमने थाने में आकर रिपोर्ट दर्ज कराई, उसके बाद आज पंचायत में बैठे तो जो बात सामने निकल के आई कि भाई अर्जुन थे इन्होंने अपनी गलती को माना और इन्होंने पास्टर साहब से और पूरे मसीह समाज से माफ़ी मांगी, उसके परिणाम स्वरूप हम लोगों ने ये चीज़ समझा कि जब ये माफ़ी मांग रहे तो उन्हें माफ़ किया जाए। इसी विभाग से ये समझौता हो कि दोनों में अब कोई मन मुटाव नहीं है, दोनों आपस में मिल भी रहे हैं अच्छी तरह। और इसके बीच में पास्टर चंद्रपाल जी लोकसभा प्रभारी क्रिश्चियन मूवमेंट हरियाणा से जो भी हमारे बीच में है, जैसे आपने अभी सुना है ये सच्चाई, ऐसा ही भाई ने जो भी गलती की है इसने अपनी माफ़ी मांगी है क्योंकि हमारे प्रभु यीशु मसीह माफ़ करना ही सिखाते हैं
गुड फ्राइडे ईस्टर के दिन जो पिछले दिन बीते हैं तो प्रभु यीशु मसीह माफ करना ही सिखाते हैं, तो उसी दिन इनके साथ ये घटना हुई है। तो पास्टर अमरीक सिंह परमेश्वर के दास होने के नाते इसीलिए माफ़ करते हैं ये, क्योंकि हमारा परमेश्वर माफ़ी देना ही सिखाता है, तो दुश्मनों को माफ़ करना सिखाता है। तो भाई ने माफ़ी मांगी है पूरे मसीह समाज से, आगे से आंदा ये गलती नहीं करेंगे। तो हम सब मसीह समाज इनके साथ रहेंगे, पास्टर के साथ हैं, इनके साथ भी हैं। आगे से गलती होगी तो आगे कानूनी कार्रवाई होगी, आगे से ऐसा कभी भी होगा तो हम कानून के दायरे में काम करने वाले हैं, संविधान के अनुसार प्रभु के लोग जो है काम करते हैं, इसलिए ऐसी कभी भी कोई गड़बड़ी के काम नहीं करते हैं। इसलिए हम सब मिलकर इसी फैसले को लिया कि हम सब मसीह समाज होने के नाते परमेश्वर के वचन को पूरा करते हुए इन्हें क्षमा करते हैं, आगे से ऐसा नहीं होगा। सो हमारे बीच में जन चेतना के जो प्रेसिडेंट बीच में है तो उनसे बात करेंगे। जो भी ये एपिसोड हुआ वो दुखद हुआ, लेकिन इसका सुखद हुआ, जैसे कि ईसा मसीह ने कहा भी है, ईसा मसीह ने लिखा भी हुआ कि सबसे प्रेम करो, प्रभु का सिमरन करो। तो मैं फादर साहब जो भी यहाँ पहुँचे हैं उनका स्वागत करता हूँ वार्ड नंबर 7 की तरफ से और हमारी संस्था जन चेतना मंच की तरफ से। ये बहुत ही दुखदता की फादर पर हाथ उठाना, चलो ये अच्छा हुआ कि वो कर्मचारी भी हैं और उन्होंने इस बात का एहसास हुआ, रियलाइज किया, माफ़ी मांगी समाज से, और अब जो माफ़ी इन्होंने दी है पादरी साहब ने अपने ईसा मसीह के धर्म के अनुसार। हम सब धर्मों का आदर करते हैं और ईसा मसीह जो मसीह मुहिम चला रहे हैं ये क्षेत्र में बहुत ही अच्छे चला रहे हैं, सब सद्भावना है, ऐसी किसी प्रकार की कोई बात नहीं, और हम इनका स्वागत करें। और जो ऐसा हुआ है प्रधान जी के आने से, और बहुत ही अच्छा लगा कि एक प्रेम का संदेश दिया है। ऐसी बात है कि गलतियाँ हो जाती हैं और उन गलतियों को मान लेना है सबसे बड़ी बात होती है, इसी से मनुष्यता का विकास होता है। तो मैं धन्यवाद करता हूँ सभी का जो ऐसा समझाता राजकुमार प्रश्न। और ये पंजाब से हरियाणा को आ रहे थे जाखल में, और रास्ते में अर्जुन नाम के एक व्यक्ति ने इनको पकड़ा और पीटा, तो उस स्थिति को लेकर के एक केस दर्ज किया गया और आज उसका समझौता है। इधर सारे क्रिश्चियन समाज के जो आदरणीय पास्टर लोग यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं, और हरियाणा मूवमेंट इनके जो मेन जो लीडर हैं वो भी हमारे बीच में है, सरदार इंद्र सिंह जी खोखर। तो हम इनसे बात करेंगे, जो सारे मसले के बारे में बताएंगे। मैं ये जानकारी देना चाहता हूँ कि पिछले बीते दिनों में हमारे पास्टर अमरीक सिंह जी है जो जाखल में रहकर प्रभु का काम करते हैं, उनके साथ भाई थे वहाँ से लोकल, अर्जुन सिंह, उन्होंने मारपीट की, उसके विषय में थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई गई थी। तो आज पंचायत में बैठकर और भाई अर्जुन ने भी अपनी गलती को माना और उसी उनकी गलती मानने की वजह से, और आज इस पर पास्टर जी से माफ़ी मांगी तो पास्टर जी ने उनको माफ़ किया। तो ये भाई अर्जुन सिंह है जो अपने जो माफ़ी के उन्होंने शब्द बोले हैं वो आपके सामने द्वारा खोल। पिछला दिनों में तो पास्टर जी से गलती हो गई थी, आइंदा ये गलती दोबारा नहीं होगी। मैं गलती मानता हूँ जिस भी समाज वालों से। तुम भी पास ही कह दो, मैं अच्छा मानता हूँ। पिछले दिनों दे विच जो इस तरह ने गलती की थी, अज मैं इस पूरी पंचायत दे विच मैं अर्जुन कुमार नूं माफ़ करदा और उम्मीद करदा कि अगे तो ऐसी गलती ये रिपीट नहीं करेगा। सो आप सब का धन्यवाद करते हैं इस समझौते में साडा साथ देने दे लई। थैंक यू। तूने दोनों जफी पा गए, दूसरे जफी ना ये ठीक ताड़ी भी सारे है ना। ठीक है भी अर्जुन सिंह, ठीक है अगे तो हम ध्यान रखी है। कोई गल नहीं, हां जी तो देखो ऐसा ही होता है, धन्यवाद। सामाजिक लोग इतने जुलते रहना, समाज के बीच में लोग है, ऐसा नहीं होता। आज का पता है सभी के समाचार जानेंगे आगे के समाचार छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद का फिर से आप सभी का स्वागत है और ये खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। पंजाब में भाई कन्हैया सेवा सोसाइटी सनेत के द्वारा गांव में कनक का जूस निकालकर लोगों को कैंसर की बीमारी और भयानक बीमारियों से बचाने के लिए सुबह और शाम को पिलाया जा रहा है, जो कि सभी को इसका बहुत ही लाभ भी हुआ और क्षेत्र में इस बात की बहुत चर्चा है। प्रेस ने क्लब के मेंबरों से वार्ता की।
पंजाब से हमारे संवाददाता हरजीत सिंह सनेर की ये रिपोर्ट। ਕਹਿੰਦੇ ਜਜ਼ਬਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਆਪਣੇ ਲਈ ਤਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਪਰ ਦੂਸਰਿਆਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਬੜਾ ਔਖਾ। ਇੱਕ ਸੰਸਥਾ ਅਜਿਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਦੂਸਰਿਆਂ ਲਈ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਭਾਈ ਘਰੇਆ ਸੇਵਾ ਸੁਸਾਇਟੀ ਸੁਨੀਰ, ਜੋ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਲਈ ਤਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਪਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਜਜ਼ਬਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਚਾਉਣੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਸਵੇਰੇ ਔਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣਾਂਗੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਜਜ਼ਬਾ ਕਿਵੇਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਖੇਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਉਹ ਕਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਦਮ ਪੁੱਟਿਆ ਵਾ ਵੀ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਚਾਉਣ ਲਈ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਚਾਰ ਆਇਆ ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਖੇਤੀ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ? ਇਹ ਜੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ 2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਸੁਸਾਇਟੀ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸਾਡੀ ਉਸੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਸੋਚ ਸੀ ਵੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਭਲਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਯੂਟਿਊਬ 'ਤੇ ਦੇਖਦੇ ਦੇਖਦੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਕਣਕ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕਰਕੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਹਦੇ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮਿੱਤਰਾਂ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਲੱਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਕਦਮ 'ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਕਣਕ ਦੀ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਇਹਦਾ ਜੂਸ ਬਣਾ ਕੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਕਣਕ ਦੀ ਖੇਤੀ ਹੈ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਜੀ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਜੂਸ ਬਣਦਾ ਇਹਦਾ ਜੀ, ਵੀਟ ਗਰਾਸ, ਇਹਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਵੀਟ ਗਰਾਸ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕਣਕ ਦਾ ਜੂਸ ਹੀ ਕਹਿਣਾ ਪਊਗਾ। ਇਹ ਵੈਸੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਤਾਂ ਜੀ ਹੈਗਾ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਮਰੀਜ਼ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕੈਂਸਰ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਲਾਹੇਵੰਦ ਆ, ਪਰ ਸਰੀਰ ਦੀਆਂ 132 ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੇਅਰ ਕਰਦਾ ਜੀ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕੋਈ ਡਾਕਟਰੀ ਜੋ ਵੱਡੇ ਡਾਕਟਰ ਆ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਉਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਇਹ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਖੋਜ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਆ? ਇਹ ਜੀ ਖੋਜ ਕੀਤੀ ਆ, ਸਾਰੇ ਡਾਕਟਰ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਆ ਪਰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਉਹ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਮਾਹੌਲ ਚਾਹੀਦਾ, ਪੇਂਡੂ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਹੋਣੀ ਆ, ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੇ ਵੱਸ ਦਾ ਰੋਗ ਨਹੀਂ, 12-13 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਹੋਣੀ ਆ। ਕਾਫੀ ਲੰਮਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਇਕੱਲਾ ਬੰਦਾ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸੰਸਥਾ ਜੀ ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ? ਸੰਸਥਾ ਤਾਂ ਪਿਛਲੇ 2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਛ ਨਸ਼ੇ ਵਾਲੇ ਮੁੰਡੇ ਵੀ ਆਏ ਆ, 2-3 ਬੰਦੇ ਉਹ ਵੀ ਨਸ਼ਾ ਛੱਡਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਏ ਜੀ। ਅਗਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜੀ? ਇਹਨੂੰ ਲਗਭਗ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ 40 ਦਿਨ ਹੋ ਚੱਲੇ ਜੀ। ਉੱਥੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਪਿਆ ਜੀ? ਹਾਂਜੀ, ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਫਰਕ ਪਿਆ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਮਰੀਜ਼ ਆਉਂਦੇ ਆ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਬੈਸਟ ਆ ਉਸ ਦਿਨ ਨੂੰ, ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਨੂੰ। ਤੁਹਾਡੀ ਸੰਸਥਾ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਕਿੰਨੇ ਮੈਂਬਰ ਆ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਜੀ ਆ ਕੇ? ਕੁੱਲ 20 ਦੇ ਲਗਭਗ ਮੈਂਬਰ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਤੁਸੀਂ ਸੁਬਹਾ ਤੋਂ ਔਰ ਸ਼ਾਮ ਤੋਂ ਕਿੰਨਾ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਲਾਉਂਦੇ ਆ ਜੀ? ਸਵੇਰੇ 5 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 7 ਵਜੇ ਤੱਕ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆ ਅਤੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 6 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 7 ਵਜੇ ਤੱਕ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆ। ਇੱਕ ਇਹ ਦੱਸੋ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਜੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸੁਬਹਾ ਸ਼ਾਮ ਜਿਹੜਾ ਵਰਕ ਆ ਉਹ ਕਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਵਰਕ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਰੇ ਸਵੇਰੇ ਡਿਊਟੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ, ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਆ ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਸਾਰੀ ਸੰਸਥਾ ਮਿਲ ਕੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਹੋਰ ਵੀ ਭੈਣ ਭਰਾ ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਦੇ ਹਾਂ, ਉੱਠ ਕੇ ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਆਪੋ ਆਪਣਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਪਾਣੀ ਕਰਕੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਅੱਗੇ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਦੇ, ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਪਟਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹਦੀ, ਕੋਈ ਉਹਨੂੰ ਧੋ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਉਹਨੂੰ ਕੁੱਟ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਜੂਸ ਕੱਢ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਪੈ ਰਿਹਾ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਹੀ, ਮਤਲਬ ਜੂਸ ਕੱਢਣ ਦਾ ਢੰਗ ਕੀ ਹੈ? ਢੰਗ ਇਹ ਹੈ ਜੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੌਰੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁੰਡੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਲਿਆਂਦੇ ਹੋਏ ਆ ਪੱਥਰ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟਦੇ ਹਾਂ, ਕੁੱਟ ਕੇ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਦੇ ਜਾਂਦੇ, ਉਹ ਜੂਸ ਕੱਢੀ ਜਾਂਦਾ, ਜੂਸ ਕੱਢ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਬਰਤਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿੱਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਚਾਹ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ, ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ 1 ਦਿਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਿੱਦਾਂ 40 ਦਿਨ ਦਾ ਕੋਰਸ ਇਹਨੂੰ ਕਰਾਉਣਾ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਕਾਇਦਾ ਨਾਂ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਆ ਕਿ ਇੰਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਲਾ ਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਹੈ ਜੀ ਸਾਡਾ ਵੇਖੋ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਾਸੇ ਵੀ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਸੰਸਥਾ ਹੀ ਇਕੱਲੀ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਮਤਲਬ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਆਪਦੇ ਘਰੋਂ ਚਲਾਇਆ ਕੰਮ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਜਿੱਦਾਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 20 ਦੇ ਕਰੀਬ ਮੈਂਬਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰੋਂ ਇਹਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਕੋਲ NRI ਪਰਿਵਾਰ ਆ,
कुछ पिंड के भी वधिया इंसान जिदा पुरानी पंचायत से उन्होंने भी सानू सहयोग दिता, नवे ने भी सहयोग दिता, इदा सानू सहयोग दे रहे हैं, पर ये जिन्ना सानू लोड़ है जी उन्ना मिल नहीं रहा। पर असी फिर भी जिदा साडे कोल एक साडे पिंड की बेटी है एन आर आई है, वो पिछले दिन ही आए हैं, उन्होंने सानू बहुत ज़्यादा मतलब इस चीज़ को प्रेरित किया। साडे जिहड़े मरीज आ रहे थे उन्होंने बैठने लिए उन्होंने सानू कुर्सियां का प्रबंध करके दिता, असीं उन्हां दा भी धन्यवाद करते हैं, उन्होंने विशेष सम्मान भी किया गया। इसे करके असं यही चाहते भी सानू एन आर आई भरा जिहड़े सहयोग जिन्ना भी देंगे तो साड़ी टीम जी है ये काम करने अगे वधन बहुत ज़्यादा तैयार। ये दसो जी सानू जिहड़े तुहाडे अंदर ये जज्बा पैदा ही किवें होया भी असीं ये समाज की सेवा करनी है? देखो जी जिहड़े हुण हालात चल रहे आ चाहे पंजाब दे जां किदां भी बीमारियां बहुत ज़्यादा वध गईआं दुनिया दे विच, जिन्हों की रोकथाम वास्ते अगों दी अगे जिद्दां सानू पता लग्गिआ असीं उस हिसाब नाल साडे प्रधान जी गए नाल इन्हां दे बंदे होर गए जिहड़े ने लुधियाणा दे कित्थे गए लुधियाणा विजिट कीता लुधियाणा कित्थे सहयोग मिल रहा है, बाकी मिलना शुरू हो जाएगा हौली हौली। अगर तुहाडे कोले होर भी कोई आउंदा जी बाहरों ते तुसीं उहनां नूं भी ये चीज़ मतलब जूस पिलाउंदे आ जां पिंड नूं जी? हाँ जी हाँ जी, बाहरों जिन्ने भी बाहरों लागे तागे दे पिंडां दे लोक आउंदे साडे कोले, उमरियाणा साडे नाल ही पिंड 4-5 किलोमीटर तों उत्थों भी आउंदे, जीरे तों भी कुछ लोक आउंदे, लेकिन जीरे भी कोई सस्ता पिआउंदी सी फिर असीं उहनां नूं कहिंदे तुहाडे उत्थे नेड़े ते जीरे भी मतलब ये तुसीं पी सकदे। तुसीं इह सारा कुछ फ्री पिआ रहे जां कोई सस्ता लोक कोई रख्या होइआ जी पैसा जां कोई लैणा जी? ਨਹੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਫਰੀ ਪਿਆ ਰਿਹਾ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਬਸ ਐਨ ਆਰ ਆਈ ਸਹਿਯੋਗਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਮੁੰਡਾ ਇਟਲੀ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਰਾਜੂ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜੂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਾਈਕ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਉਂਦਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਸਹਿਯੋਗ ਜਾਂ ਪਾਸੇ ਇਲਾਕੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਸਹਿਯੋਗ ਜੀ? ਨਹੀਂ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਨਹੀਂ, ਬਸ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੇ ਪਿੰਡ। ਤੁਸੀਂ ਸਮਾਜ ਤੋਂ ਕੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਆ ਜੀ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਸੰਸਥਾ ਹੋਰ ਵੀ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨ ਜਾਂ ਕੋਈ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਹੋਰ ਸੰਸਥਾ ਜੁੜਨ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਹੋਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਆ? ਮੰਗਦੇ ਇਹ ਜੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹਰ ਬਿਮਾਰੀ ਕੱਟੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਨਸ਼ਾ ਤਾਂ ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਪਿਆ ਜਾਵੇ ਨਾ, ਕਈ ਬੰਦੇ ਨੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਣਕ ਦਾ ਵੀਟ ਗ੍ਰਾਸ ਪਿਆ ਪਿਆ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਵੀ ਛਡਾਇਆ, ਅਸੀਂ ਵੀ 3-4 ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ 10 ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਕਣਕ ਘਰ ਘਰ ਬੀਜੀ ਜਾਵੇਗਾ ਔਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਗਲੋਂ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਜੋ ਵੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਤਨ ਮਨ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਫ੍ਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੀ ਇਹ ਮੰਗ ਆ ਵੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਲੋਕ ਹੋਰ ਵੀ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਵਾਂਗ ਜੁੜਨ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ। ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਨੇਹ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰਨਾਲ ਸਿੰਘ ਅਰੋੜਾ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ। ਸਮਾਚਾਰ ਆਏ ਕੁਛ ਖਾਸ ਖਬਰਾਂ ਕੇ ਲਈ ਬਣੀ ਰਹੀ ਹੈ ਫਾਸ਼ ਨਿਊਜ਼ ਇੰਡੀਆ ਕੇ ਸਾਥ। ਧੰਨਵਾਦ।